What is up guys, my name is Dhruv and welcome to my channel. आज मेरे पास आ चुकी है Firebolt Falcon Calling Smartwatch. ये Firebolt की लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टवॉच है और आप सबको पता है Firebolt की स्मार्टवॉच इसकी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल होती है. इसकी प्राइस ओनली 2000 रुपीज है. सबको वीडियो को देखने के बाद इस स्मार्टवॉच को परचेस करना है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज हम इस स्मार्टवॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले. मैं आपको स्मार्टवॉच के सारे फीचर्स के बारे में वन बाय वन साइड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. सो आप वीडियो को पूरा देखना. वीडियो को यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना. प्लीज मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो गाइस, तो मैं स्मार्टवॉच का बॉक्स है. यहाँ पे को फ्रंट साइड में Firebolt की ब्रांडिंग और नीचे को मॉडल नेम मिल जाएगा. साइड में को सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है. बैक साइड में सारे को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखता को बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है. अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले को मिलता है वारंटी कार्ड. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 1 साल के लिए वारंटी मिल जाएगी. नेक्स्ट आपको मिलता है गाना का 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट आपको मिलता है बुकमार्क्स का फ्री वाउचर. एंड आपको मिलता है बोल्ड प्लेप का फ्री मेंबरशिप. सो आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है. नेक्स्ट आपको मिलता है यूजर मैनुअल, जिसकी हमें कोई जरूरत है नहीं. साथ में को मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जिससे आप बहुत ही इजीली स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो. सिंपल आप इस तरह से अटैच करके स्मार्ट वॉच को चार्ज कर पाओगे. आपके लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस बन जाएगा. और ये हमारा मेन प्रोडक्ट Firebolt Falcon Calling Smartwatch. सो गाइस, अभी मैंने स्मार्ट वॉच को पहन लिया. ये स्मार्ट वॉच बहुत ही कंफर्टेबल है बिकॉज वेट ओनली 38 ग्राम है, जो बहुत ही लाइट वेट है. डिजाइन आपको बहुत ही स्लिम मिलती है. सो आप स्मार्ट वॉच को आराम से ऑल डे पहन के रख सकते हो. यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में स्क्वायर शेप में आपको डायल मिलता है, इससे लुक काफ़ी चाहो मिल जाएगा. या फिर उसे भी चेक कर सकते हो. लुक एंड फील काफ़ी को प्रीमियम मिलने वाला है. बहुत ही डिसेंट लुक मिल जाएगा. अगर हम बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में मेटल की बॉडी मिलती है, पीछे आपको प्लास्टिक बैक मिलता है और 20 mm के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं, जो आपको स्किन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा. आप इस टैप को बहुत ही इजीली रिमूव एंड फिशअप अटैच कर पाओगे. और स्मार्ट वॉच की राइट साइड में पावर बटन एंड माइक मिलता है. लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मिल जाएगा और आपको बैक साइड में सारे सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं. और स्मार्ट वॉच में IP67 वाटर प्रूफ फिटिंग मिलता है. सब स्मार्ट वॉच को ऑल वेदर कंडीशन में यूज कर सकते हो, सारे टाइम यूज कर सकते हो. स्मार्ट वॉच को आप 1.5 मीटर डीप वाटर में यूज कर सकते हो, बट अगर आप ज्यादा डीप वाटर में जाओगे तो आपकी स्मार्ट वॉच खराब हो सकती है. और नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे कुछ स्मार्ट वॉच में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.1 मिलता है. फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए आपको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, इससे भी स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगी. देखो भी स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है. नेक्स्ट आपको अपने फोन में दाफिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो को एंड्रॉइड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है. नेक्स्ट आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है. यहाँ पे को एंड डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है. यहाँ पे मेरी स्मार्ट वॉच आ जाएगी. देखो आ चुकी. सिंपली यहाँ पे को टैप करना भी कनेक्ट हो जाएगा. सो बहुत ही फास्ट स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हो. और नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फीचर एनेबल करने वाले. उसके लिए यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है. यहाँ पे को विद्युत को ऑन करना है और फाइंड करना है FWBTS23 Audio. सिंपली आपको क्लिक करना भी कनेक्ट हो जाएगा. तो भी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग फीचर भी एनेबल हो चुका है. और मैंने चेक किया, स्मार्ट वॉच की बैटरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे को स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 2 घंटे का टाइम लग जाएगा. और एक बार फुल चार्ज करने के बाद इस स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 5 to 6 days का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करती है. अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो अगर आप स्मार्ट वॉच को फुल फीचर के साथ यूज़ करोगे, कॉलिंग के साथ यूज़ करोगे, फिर भी आपको आराम से 3 to 4 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच के लिए काफ़ी डिसेंट बैटरी लाइफ है. तो अभी स्मार्ट वॉच को ऑनली 2 बार चार्ज करके पूरा वीक आराम से यूज़ कर पाओगे. और नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले के बारे में. यहाँ पे को स्मार्ट वॉच में डिस्प्ले साइज काफ़ी बड़ी मिल जाएगी. आपको स्मार्ट वॉच में 1.8 इंच HD डिस्प्ले मिलती है, इसमें को 240x284 पिक्सल रिजोल्यूशन मिलता है. आप देख सकते हो बिजनेस आपको मिनिमल मिल जाएगा. पूरा आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है. डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही सुपर है. डिस्प्ले बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ चलती है. टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है. सो बहुत ही इजी आप डिफरमेंट में नेविगेट कर पाओगे. अगर हम बात करें बैटरीज के बारे में, सिंपली आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके बैटरीज को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो. डिस्प्ले काफ़ी को ब्राइट मिलती है. सो स्मार्ट वॉच को बहुत ही इजीली इंडोर एंड आउटडोर दोनों के समय यूज कर पाओगे. सो गाइस, आपको इस प्राइस पर में सबसे बेस्ट डिस्प्ले मिल जाएगा. और गाइस, मेरे पास कॉलिंग स्मार्ट वॉच है. सभी स्मार्ट वॉच का कॉलिंग रिव्यू करने वाले वो भी लाइव. सो मैं कॉल डायल कर रहा हूँ. क्लिक करते हुए कॉल डायल हो जाएगा. इस तरह से वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है. हेलो मम्मी, का सवा उठा जो सात वागे ले जो भाई का सवा था तो ठीक है. मैंने कभी हाँ जे सो आप इस तरह से कॉलिंग कर सकते हो. कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. वॉल्यूम काफ़ी को हाई एंड क्लियर मिलता है. सब स्मार्ट वॉच की ऐप से इंडोर एंड आउटडोर दोनों के समय कॉलिंग कर पाओगे. और नेक्स्ट अभी हम स्मार्ट वॉच का वॉइस असिस्टेंट टेस्ट करने वाले. टैप करते ऑन हो जाएगा. देखो ऑन हो चुका है.
हे सिरी हाउ इज द वेदर इन अहमदाबाद। तो ये काफी एक्यूरेट काम करता है। यहाँ पे को और एक फीचर मिलता है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हो। मैंने फोन म्यूजिक को स्टार्ट करता हूँ, क्लिक कर दिया स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो चुका है स्मार्ट वॉच में, वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया, वॉल्यूम काफी को हाई मिलता है। यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ कर पाओगे। तो काफी अच्छा फीचर मिल जाएगा। तो गाइस जैसे आपके फोन में कॉल आएगा, स्मार्ट वॉच में रिंग बजता है एंड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉलर का नंबर मिलता है, ऐसे कॉल को कट कर सकते हो, ऐसे कॉल को पिकअप कर सकते हो। देखो बहुत ही इजीली पिकअप हो जाएगा। यहाँ से माइक को म्यूट कर सकते हो, देखो माइक म्यूट हो चुका है। यहाँ से वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो और यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरह से अपने कॉल को अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ चुका है, इससे बहुत इजीली वापस भी आ जाएगा। इस तरह से ऐसे कॉल को कट कर पाओगे, कट हो जाएगा, सो बहुत इजीली आप कॉलिंग भी कर पाओगे। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं स्मार्ट वॉच के यूआई के बारे में। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में वेकअप फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करके स्मार्ट वॉच को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप टच एंड लॉन्ग प्रेस करके स्मार्ट वॉच के वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में 100+ वॉच फेस मिलेगा, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस मिलेगा, जिसको पूरा यूज़ कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से, ऐसे पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम पोजीशन अबाउट टाइम व्यू टाइम से पूरा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैं स्वाइप करता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, सब अपने स्मार्टफोन की गैलरी में से किसी फोटो सेलेक्ट करके उसको अपने वॉच फेस की तरह यूज़ कर पाओ, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। और स्वाइप डाउन करते हैं कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। ऐसे कॉलिंग फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो, ऐसे बैटरीज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ऐसे मेन्यू को चेंज कर सकते हो। हनीकॉम लिस्ट एंड ग्रिड भी आपको मिलने वाला है, इसको पूरा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ड्रेनिंग मोड मिलने वाला है, इस तरह से ऐसे पानी को ड्रेन कर सकते हो। सेक एंड टिल्ट द वॉच टू हेल्प गेट द वाटर आउट, सेक करना है, इसका ड्रेन मोड स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से देखो स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी यूनिक फीचर आपको इस पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट वॉच में, इसे पानी ड्रेन कर पाओगे। ऐसे बैक करता हूँ मैं। नेक्स्ट आपको मिलता है फ्लैश लाइट, ऐसा फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको मिलता है सेटिंग्स, ऐसे सीधा सेंडिंग्स में मुझे आपको इस तरह जाए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा। और स्वैप अप करते हुए नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे को ऐप में जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे पूरा ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है, ऐसा ऑन ऑफ कर पाओगे। इस तरह से आपके लिए काफी अच्छा फीचर बन जाएगा। स्वाइप लेफ्ट करते हैं, सबसे पहले मिलता है कॉलिंग फीचर, ऐसा कॉलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्टिविटी स्टेटस, नेक्स्ट आपको मिलता है AI वॉइस असिस्टेंट, नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, नेक्स्ट आपको मिलता है SPO2 और नेक्स्ट आपको मिलता है म्यूजिक प्लेयर। सब स्मार्ट वॉच के ऑप्शन फोन के मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है ऐड कंपोनेंट्स, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से क्लिक किया ऐड हो जाएगा, देखो अभी ऐड हो चुका है। फिर से मैं करता हूँ, फिर से क्लिक किया, अब इसको ऐड कर सकते हो, ऐड हो जाएगा। सो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल बन जाएगा। और स्वाइप राइट करते हैं, आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मिलता है एक्टिविटी स्टेटस, यहाँ पे आपको स्टेप काउंट, कैरी काउंट, डिस्टेंस सब कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो, पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है फोन कॉल, ऐसा कॉलिंग कर सकते हो। सबसे पहले मिलता है रिसेंट कॉल, यहाँ पे पूरे को कॉलिंग हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है डायल, ऐसा कॉल डायल कर सकते हो, कॉल डायल हो जाएगा बहुत ईजी। देखो डायल हो चुका है, ऐसा कट भी कर सकते हो, बहुत ईजी कट भी हो जाएगा। और आपको मिलता है कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ऐप में जाना है, यहाँ पे आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से। बाद में आपको ऐड क्विक न्यूज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सारे आपको कॉन्टैक्ट्स मिलना है, जिसको बहुत ईजी आप ऐड कर सकते हो, जहाँ पर काफ़ी अच्छा फीचर बन जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिलता है हार्ट रेट, में क्लिक करता हूँ, देखते हैं हार्ट रेट कितना आता है। अभी मेजर होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे शो कर 73 BPM, यहाँ पे आपको मैक्सिमम सब कुछ आपको मिलने वाला है, पूरा रेंज जितना सब मिलने वाले हैं, इसको पूरा यूज़ कर सकते हो। मैं बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको सब कुछ आपको मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे आपको वेकअप, रैम, टेस्टफुल लाइट सब कुछ आपको मिलेगा इस तरह से, पूरा डेटा इन डेप्थ आपको डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है एस्पोर्ट, में क्लिक करता हूँ, देखते हैं मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना, तभी मेजर होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे शो कर 98%, यहाँ पे मैक्सिमम सब कुछ आपको मिलने वाला। मैं स्वैप अप करता हूँ, मैं पूरे आपको रेंज मिल जाएगी इस तरह से, पूरा देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सरसाइज मोड, यहाँ पे स्मार्ट वॉच में 100+ आपको एक्सरसाइज मोड मिलेगा, जिसको पूरा यूज़ कर सकते हो इस तरह से। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और भी मोड्स मिल जाएगा इस तरह से। अभी हम किसी मोड को ऑन करते हैं, चलो अभी हम ऑन करते हैं रनिंग को। ये रनिंग में क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो जाएगा। 3, 2 and 1, यहाँ पे को टाइम मिलता है, स्टेप काउंट आपको मिलेगा, कैलोरी काउंट आपको मिल जाएगा, हार्ट रेट आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, पूरे पूरे जैसे मिलने वाली है, बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं बैक करता हूँ, ऐसे ऑफ भी हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये ऑफ हो जाएगा, देखो ऑफ हो चुका है। इस तरह से आप यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्सरसाइज रिकॉर्ड, नेक्स्ट आपको मिलता है वेदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पूरा को वेदर फोकस आपको मिलने वाला है, जो काफ़ी अच्छा फील बन जाएगा। बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है नोटिफिकेशन, नेक्स्ट आपको मिलता है AI वॉइस असिस्टेंट, जो मैंने आगे चेक कर लिया। नेक्स्ट आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल, सब स्मार्ट वॉच की ऐप से फोटो भी आप क्लिक कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट आपको मिलता है म्यूजिक प्लेयर, भी आपको पता है आगे मिल गया। नेक्स्ट आपको मिलता है अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और गाइस आपको मिलता है फाइन फोन, मैं क्लिक करता हूँ, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, आपके फोन मिलने वाला सब इस तरह से, अपने फोन को भी आप फाइन कर पाओगे, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको मिलता है गेम्स, यहाँ पे को 3 गेम्स आपको मिलने वाले टाइम पास करने के लिए। बैक करता हूँ। और नेक्स्ट आपको मिलता है कैलकुलेटर,
ऐसे पूरा कैलकुलेटर आप यूज़ कर पाओगे, आपको डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, जो बहुत ही डिमांडिंग फीचर है। लास्ट में को मिलता है सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मिलता है डिस्प्ले में क्लिक करता हूँ, सब ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो स्लो टाइप को चेंज कर सकते हो, वॉच फेस को चेंज कर पाओगे, मेन्यू को चेंज कर सकते हो, क्विक व्यू को ऑन ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है वाइब्रेशन एंड रिंग में क्लिक करता हूँ, मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, वाइब्रेशन रिंग वाइब्रेशन रिंग सब कुछ सिलेक्ट कर पाओगे इस तरह से। यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हो, बैक करता हूँ। नेक्स्ट आपको मिलता है इंटेंसिटी, ऐसे आप स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट कर सकते हो, वाइब्रेशन इंटेंसिटी को बैक करता हूँ। यहाँ से आप डीएनडी मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, कॉलिंग फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो, पावर सिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, अपने कॉलिंग विद्युत को रिसेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है सिस्टम, यहाँ पे आप रिस्टार्ट पावर ऑफ रिसेट कर पाओगे। लास्ट में मिलता है अबाउट, यहाँ पे वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिल जाएगा। सो गाइस अभी आपको स्मार्ट वॉच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपका बजट 2000 रुपीस के आसपास का है, इसको आप 100% परचेस कर सकते हो। सारे आपको सेंसर्स मिल जाएंगे जो एक्यूरेट काम करते हैं, सारे आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे, आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच मिलने वाला है। सो आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा परचेस कर सकते हो। और आपको वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो मिल सकते हैं वीडियो में। बाय।